आज की हमारी रेसिपी है बारिश के लिए, तो बारिश चालू है और गर्मा गर्म ऐसे पकोड़े और साथ ही में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बस बात ही कुछ अलग है। तो ऐसे करारे और क्रिस्पी पकोड़े नए तरीके से कैसे बनाने हैं वो देखेंगे। हमेशा वही वही पकोड़े खा के अगर हो गए बोर तो ज़रूर बनाइए नए तरीके के पकोड़े। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है प्याज की, तो दो प्याज को ऐसे मैंने ना लंबा लंबा कट किया है और इसे ही पूरा ऐसे लच्छा लच्छा छूटे ऐसे पूरा छुड़ा लेना है। साथ ही इसमें डालेंगे बेसन, तो एक कप भर के मैंने बेसन डाला है और दो चम्मच भर के चावल का आटा डालेंगे। चावल के आटे से ना हमारे पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनने वाले हैं, तो इसके लिए ज़रूर डालें। और साथ ही में दो चम्मच स्वाद के अनुसार डाला है नमक और आधी छोटी सी चम्मच हल्दी पाउडर डाली है, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाली है और साथ ही में डालेंगे दो हरी मिर्च को एकदम बारीक कट करके डालनी है। अभी तीखा आपको कितना पसंद है कम ज़्यादा उस हिसाब से आप मिर्ची और हरी मिर्च और लाल मिर्ची पाउडर का मेजर कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अभी इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका ना थोड़ा सा इसे मीडियम जैसे घोल बना लेंगे, क्योंकि इसे नहीं तो पतला रखना है ना ही एकदम गाढ़ा चाहिए, तो मीडियम ऐसे हमें इसका घोल बनाना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका मीडियम ऐसे घोल बना रही हूँ। एक साथ पानी बिल्कुल ना डाले, थोड़ा थोड़ा सा ही डाले ताकि ना पूरा अंदाज़ा आ जाए पानी हमें कितना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जा रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ। तो ये हमारा ना घोल मैंने बना लिया है थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, देखिए ना ही तो पतला है ना ही एकदम गाढ़ा है, मीडियम ऐसे बनाया है। तो इसे रखते हैं साइड में, ऐसे ही घोल के हमें ज़रूरत है तो ये घोल को रख देते हैं साइड में। और लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस, तो यहाँ पे मैंने 5-6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तो एक ब्रेड इसे हमें कट करना है तो एक ब्रेड के 4 पीसेस कर लेंगे, यानी बराबर 4 भागों में हमें इसे डिवाइड करना है। तो ध्यान रखिए साइड का कॉर्नर का भाग पार्ट हमें नहीं निकालना है, उसे रखेंगे। तो एक ब्रेड के मैंने इस तरह से 4 पीसेस कर लिए, अभी सभी ब्रेड के ना इसी तरह से पीसेस कर लेते हैं। तो ये ब्रेड के सब पीसेस तैयार हो चुके हैं, अभी क्या करना है इनमें से एक पीस लेना है और इसे ये प्याज वाले मिश्रण में हमें डिप करना है और पूरा इसे ना अच्छी तरह से कोट करना है सभी जगह से, कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से इसे प्याज और बेसन का कोट होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, तो इस तरह से आपने ज़रूर भजिया नहीं बनाई होंगी तो जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक्स में बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे, तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और गरम गरम तेल में हमें इसे छोड़ना है, तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। और एक ऐसे ब्रेड को हम बस डिप करना है, अच्छी तरह से कोट करना है और ऑयल में छोड़ते जाना है। और जब तक अच्छी तरह से एकदम क्रिस्पी नहीं होते तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो है ना एकदम नए तरीके के पकोड़े, तो जल्दी बनाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं चाय के साथ या चटनी के साथ सॉस के साथ, एकदम मस्त लगते हैं गर्मा गर्म पकोड़े। और बारिश है तो चाय के साथ इसे खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी बना के आपको कैसी लगी वो। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पलट पलट के हमें इसे फ्राई करना है ताकि जो बाहर का मिश्रण है प्याज का वो भी एकदम क्रिस्पी बने और अंदर का ब्रेड भी एकदम क्रिस्पी बने, तभी तो खाने में मज़ा आएगा। तो इस तरह से ना अलट पलट के हमें इसे फ्राई करना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे अलट पलट करते रहिए और मस्त से इसे फ्राई कीजिए। तो ये देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा एकदम फ्राई करके हो गया है तैयार मस्त से इसे गर्मा गर्म। तो हमारे सभी ब्रेड फ्राई करके हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में, जितने अच्छे हैं उतने ही टेस्टी ये हमारे ब्रेड पकौड़े होने वाले हैं। तो खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, घर में कोई पार्टी हो मेहमान आने वाले हो तो ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिए। इससे पहले भी मेरे चैनल पर कुछ अलग तरीके की रेसिपी है तो वो भी आप देख सकते हैं।